दो सांप मिले। अब वो मेरे ऊपर हमलावर हुए, मैंने जो था उनके फाफड़ा मार दिया, एक सांप उसमें मर गया। अब ये सर मुझे पता नहीं नागिन थी या नाग था, मैंने उसे मार के दबा दिया। अब वो 7 महीने से मुझे 7 बार काट चुका है। कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, कुछ इसी तरह के अल्फाज एक इंसान की जिंदगी पर उस समय फिट बैठते हैं जब नागिन ने अपने नाक को मौत की घाट उतार देने वाले शख्स को बदला लेते हुए 7 बार डस लिया है। हालांकि नागिन के बदले पर हर बार उस शख्स की जिंदगी भारी पड़ रही है। आइए दिखाते हैं रामपुर में घटी कुदरत की इस अजीबो गरीब घटना को। जनपद रामपुर के स्वात तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर का रहने वाला बबलू अपने गांव से सटे कृषि फार्म पर नौकरी करता है। बात 7 महीने पुरानी है। वह इसी फार्म पर मौजूद था तभी उसका सामना नाग और नागिन से हो गया। बबलू ने आनन फानन से नाग को लाठी के वार से मौत के घाट उतार दिया जबकि नागिन बचकर निकल गई। फिर शुरू हुआ नागिन के बदले का खेल, ठीक फिल्मी कहानी की तरह। नागिन ने मौका पाकर कुछ दिन के बाद बबलू को अपने जहरीले दांतों से डसकर बदला लिया। हालांकि समय रहते और ठीक समय पर उपचार मिलने के चलते बबलू मौत और जिंदगी के इस खेल में जीत गया और वे ठीक हो गया। फिर कुछ दिन के बाद नागिन ने एक बार फिर हमला बोलते हुए उसे डस लिया लेकिन फिर भी उसे समय पर उपचार के चलते जिंदगी नसीब हुई। ये सिलसिला 7 महीने से जारी है। नागिन अपना बदला लेते हुए उसे 7 बार डस चुकी है और हर बार की तरह बबलू जिंदगी की जंग जीतता चला जा रहा है। बबलू की जिंदगी और नागिन के बदले की अजीबो गरीब कहानी दूर दूर तक फैल चुकी है। हालांकि बबलू पर काली नागिन के खौफ का साया लगातार गहराता जा रहा है, वहीं नागिन भी बबलू के लाठी के वार से अपने आप को बचाने में कामयाब हो रही है। इस सच्ची कहानी में कुदरत हर बार जहां बबलू का साथ दे रही है तो वहीं एक तरह से नागिन भी नसीब वाली बनकर उभर रही है। अब इस खौफनाक कहानी का अंत कैसे होगा, इसका जवाब तो समय के साथ ही ईश्वर के पास बेहतर तरीके से है। बहरहाल ये कहानी लगातार आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बनती चली जा रही है। लोग पहली बार नागिन फिल्म की कहानी 7 महीने से असलियत में देखते चले आ रहे हैं। अब से 7 महीने पहले मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ, बहुत ही गरीब हूँ सर मैं। 2 सांप मेरे धोरे हमलावर हुए, मैंने एक उनमें से मार दिया, गड्ढा खोद के दाब दिया। पता नहीं वो नाग मरा या नागिन मरी, जब से जो है वो मैं खेतों में मजदूरी करता हूँ। 4 बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। जब इसे मतलब मेरे ऊपर हमला हो जाता सर, वो तो गांव वाले समय से पहुंच जाते हैं, मेरा इलाज हो जाता, मेरी जान बची हुई है ना, तो मैं अब लो सर मैं मर गया होता। तो क्या कर रहे थे, कैसे मारा था, क्यों मारा था, वजह क्या पूरी सर? वो मेरे ऊपर को आ रहे थे, मैं खेत में काम कर रहा था सर, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं मेड़ा चढ़ा रहा था धानों की, मैंने उसमें एक को मार दिया सर। हाँ, कितने दिन पुरानी बात है? अब से 7 महीने पहली बात है ये। अच्छा, फिर क्या हुआ 7 महीने से? 7 महीने से लगातार मान लो दूसरे महीने, 1 महीने में लगातार काटने पर लगा हुआ है सांप मुझे। अच्छा, अभी परसों काटा है, आज 15 तारीख है, 13 तारीख की बात है ये। अच्छा, हाँ, तो कितनी बार काट चुका है सर? 7 दफ़ा काट चुका मुझे। काटने का तरीका क्या है, कैसे आता है तो आप? मतलब ऐसे जैसे मैं खेत में फावड़ा चला रही हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, आया पीछे चुपके से तुरंत मेरे हाथ मार दिया, मुँह मार दिया मेरे। अच्छा, हाँ, परसों यार तुम्हें एहसास नहीं हो पाता कि वो आ गया सांप? एहसास नहीं होता, जब काट लेता जब पता चलता है। अच्छा, कितने खेतों पे, एक ही खेत पे काम कर रहा है या अलग अलग खेत ना? अलग अलग खेत पर खेत हैं, अलग अलग, जहाँ जाता हूँ वहीं पहुँच जाता है वो। अच्छा, हाँ, तो क्या 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 सोच रहा हो इसके बारे में? आप सोच कर सर, आप जो है मैं गरीब आदमी हूँ सर, सरकार मुझे मुआवजा दे दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे सर, कभी भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या चाहते हो तुम, सांप से कैसे बचोगे? तो अब बचना है, अब घर में बैठेंगे अपने, फिर क्या करा जाए, जान तो बचाई जाएगी। अच्छा, जोड़ा था वो जो मारा? हाँ हाँ, जोड़ा था वो। कैसे रंग का था? बिल्कुल काले थे। पूरी बात बताओ कैसे? बिल्कुल काले थे, बहुत बड़े सांप थे पुराने। अच्छा, हाँ, बिल्कुल असली, और मुझे 7 दफ़ा असली सांप नहीं काटा है, 5-5, 6-6 खुराकें पी हैं बेनजीर जाकर सरदार जी के वहाँ। अच्छा, जब हो सकता है मुझे। तो अब तो दवाई घर पर रखी हुई आपके सांप काटने? ना, घर पर नहीं है, घर पर नहीं मिलती है वो दवाई। तो अब तुम्हें डर लगता है खेत पर? हाँ, बहुत दहशत है, बोला पूरी मेरी बीवी मेरे बच्चे मुझसे मना कर रहे हैं, बोले मत जाओ, लेकिन अब मैं गरीब हूँ, क्या करूँ सर, बात बताओ। घर में और कोई कमाने वाला नहीं? ना, कोई नहीं है। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ सर थोड़ी मदद हो जाए, मेरा थोड़ा सहारा हो जाएगा सर, ये चाहता हूँ। तो खेत पे आते हो तो सांपों से डर लगता है? हाँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं तो अब भी आपने बुलाया तो जब मैं यहाँ को तुम्हारे पीछे पीछे डरते हुए आया हूँ। तो ये चाहते हो कि वो सांप भी पकड़ा जाए? हाँ हाँ, सांप भी पकड़ा जाए। इसे 7 महीने पहले सांप ने काटा था, जोड़ा था वो, एक मार दिया इसने। अब उसके बाद ये है कि इसे कभी भी सांप काट लेता, इसे लेके जाना पड़ता दिखाने के लिए। अच्छा। ये बड़ा परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, 4 बच्चे हैं, और ये उससे बड़ा पीड़ित है एक तरीके से। ये कितने दिन पहले की घटना है? ये करीब 7-8 महीने हो गए इस बात को। अच्छा। कितनी बार इसको काट चुका है?
इसे 6 से 7 बार काट चुका। तो क्या जिस खेत पे भी जाता है तो वहाँ पहुँच जाता है वो साहब? जब काट लेता है तो वहीं पहुँच जाता होगा साहब, जैसे काट लेता है तो ये दूर खेत पे भी चला जाता, पास भी जाता तो काट ही लेता है इसे। तो इससे परेशानी इसके इसके परिवार इसके घर इसके पास इसके दिल में दहशत है, तो कैसे आप लोग इसकी मदद कर रहे हैं? हम मदद क्या साहब, इसे हो जाता तो इसे लेके जाया जाता दिखाने के लिए, वहाँ पर इसका ड्रॉप वगैरह दिलवाए जाते हैं, उससे ठीक हो जाता है। बहरहाल इधर है बती की मतलब मेरे पीछे ही पड़ा हुआ कोई चीज़। तो क्या वो जो जोड़ा है वो इसे बदले की भावना से काट रहा है? यही हो सकता है फिर तो साहब, बदले की भावना से काट रही है फिर इसका मतलब। तो वो क्या जोड़ा था, काले काले का जोड़ा था वो, इनने एक मार दिया, एक मार दिया उसमें। कैसा सांप है? जहरीला सांप, यही बताते हैं कि कोबरा की नस्ल से काला।